गाइस वेलकम बैक टू द चैनल आई एम रेनुका। तो आज मैं आपके लेके आई हूँ रानी तुम्हें राजा वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल जो कि काफी ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है आजकल। और मैंने जैसे कहा था ऐसी वीडियो एडिटिंग मुझे काफी ज्यादा पसंद है क्योंकि आपका जो भी पुराना कॉन्टेंट है वो सारा इसमें ना रीयूज हो जाता है, आपको दोबारा शूट करने की जरूरत नहीं है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू आर विनर्स। और अगर आप नहीं जानते कौन विनर्स है तो आप रैना और मेरे इंस्टाग्राम पे जाके हमारे गिव अवे हाईलाइट्स चेक कर सकते हैं, उसमें हमने अनाउंस कर दिया है। और अगर आप वीडियो एडिटिंग या फिर फोटो एडिटिंग या फिर रील्स इंस्टाग्राम पे इंटरेस्टेड है तो मैं आपको सब प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाके चेक कर सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलना। और जब भी आप नोटिफिकेशन बेल ऑन करेंगे तो आपको ना तीन ऑप्शन मिलता है लाइक ऑल, पर्सनलाइज एंड नन, तो आपको ऑल पे क्लिक करना है ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप हमारी वीडियो एंजॉय कर सके। तो आज मैं आपको वीडियो में सिर्फ फोटो टाइमिंग या इफेक्ट्स नहीं, साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कैसे आप अपनी वीडियो में एक स्पार्कल इफेक्ट ला सकते हैं। जैसे कि आपने स्टार्टिंग में देखा वीडियो में कुछ स्टार सा इफेक्ट है, आज वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। स्टार्ट करते हैं अपनी एडिटिंग। अगर आप इस ट्यूटोरियल की हेल्प से कोई भी वीडियो बनाते हो तो प्लीज रैना और मुझे टैग करना मत भूलना। रैना और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो इस ट्यूटोरियल को बनाने में मुझे काफी टाइम लगा क्योंकि जो इसकी बीट है वो काफी ज्यादा फास्ट है, तो बीट को पकड़ना और बीट की टाइमिंग आपको बताना वो इम्पॉर्टेंट था। तो रियली काफी ज्यादा टाइम गया, बिल्कुल आंखें बंद कर करके मैं उसको सुन रही थी कौन सी बीट कहाँ पर है। वीडियो एडिटिंग के लिए आपको कुछ 18 पिक्चर्स चाहिए होगी तो आप पिक्चर्स पहले ही रेडी कर लेना। एंड साथ ही साथ आपको एक स्पार्कल वाली वीडियो चाहिए होगी तो वो वीडियो कैसे आपको डाउनलोड करनी है पहले मैं आपको वो बता देती हूँ, देन उसका यूज आपको एडिटिंग में कैसे करना है मैं आपको फिर बताऊंगी। तो पहले आपको अपना यूट्यूब ओपन करना है, देन सर्च आइकन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको लिखना है स्पार्कल वीडियो या फिर आप ग्लिटर वीडियो लिख सकते हैं जो भी आपको चाहिए हो, या फिर आप स्टार वीडियो भी लिख सकते हैं। स्टार वीडियो ओवरले, तो यहां पर मुझे काफी सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, मुझे स्टार से रिलेटेड ही चाहिए था इसलिए मैंने स्टार वीडियो ओवरले लिखा है। अगर आपको कोई पर्टिकुलर लाइक हार्ट शेप चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप उसी भी वर्ड को लिख के सर्च करना। तो मुझे ये स्टार्स बैकग्राउंड वीडियो इफेक्ट ओवरले चाहिए तो मैं पहले साइड पे क्लिक करूंगी, देन शेयर पे क्लिक करूंगी, देन कॉपी लिंक पे क्लिक करना है। फिर आपको अपना गूगल क्रोम ओपन करना है, सर्च आइकन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको लिखना है यूट्यूब डाउनलोड एंड सर्च करना है। तो यहाँ पर जो सबसे पहली वेबसाइट को ओपन करना है, देन एंटर द यूआरएल पे टैप करके पेस्ट करना है जो लिंक हमने कॉपी किया था अभी यूट्यूब से। वीडियो रेडी हो गई है, यहाँ पर दिख रहा है मुझे डाउनलोड, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसी फाइल ओपन होगी, डाउनलोड करना है आपको। जो वेबसाइट मैंने अभी सेलेक्ट करी मैं गारंटी नहीं ले सकती कि वो एक सेफ वेबसाइट है, बट मैं बहुत टाइम से इसी वेबसाइट को यूज कर रही हूँ और मैं इसी तरीके से अपनी यूट्यूब वीडियो डाउनलोड करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना एंड बाकी जिसको भी इसकी जरूरत है उनके साथ शेयर कर देना। चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। वीडियो एडिटिंग के लिए हम VN ऐप का यूज करेंगे। ऐप को ओपन करना है, प्लस के साइन पे क्लिक करना है, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है एंड हमें फोटोज चाहिए तो हम फोटो पे क्लिक करेंगे। यहाँ से मैं कुछ 18 पिक्चर्स सेलेक्ट करने वाली हूँ, डन। अब हमें म्यूजिक ऐड करना है, प्लस के साइन पे क्लिक करना है, म्यूजिक पे क्लिक करना है, सिलेक्ट कर लिया मैंने, डन। रील की कोई भी ऑडियो सॉन्ग या डायलॉग आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे आप इस ऐप में यूज कर सकते हैं मैंने पहले भी बताया हुआ है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप एक बार उसको भी चेक कर लेना। तो अभी आप नोटिस कर रहे होंगे ऊपर जो सॉन्ग है वो काफी छोटा है, नीचे फोटोज काफी बड़ी आ रही है। तो थोड़ा हम सॉन्ग को एंड फोटो को एक्सपेंड कर लेते हैं ताकि हमें सॉन्ग ठीक से नजर आए। टू फिंगर को स्क्रीन पर रख के आपको आउटसाइड स्ट्रेच करना है। तो देखिए हमें सारी फोटो बीट्स के अकॉर्डिंग लगानी है, तो मैं सबसे पहले आपको बीट्स की टाइमिंग बताने वाली हूँ। म्यूजिक पे आपको क्लिक करना है, देन बीट्स पे क्लिक करना है आपको। यहाँ पर कुछ 17 बीट्स लगेंगी, मैं आपको ओनली 2 to 3 बीट्स लगाना बताऊंगी, बाकी आपको सेम तरीके से बताना है। और साथ साथ में मैं आपको साइड में सारी बीट्स की टाइमिंग भी मेंशन कर दूंगी। तो फर्स्ट बीट हमारी लगेगी 0.29 सेकंड पे, तो ये जो व्हाइट लाइन है आपको पहले इसको 0.29 सेकंड पे लेके जाना है। आप जब स्क्रीन पे टैप करके लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो ये ऐसे मूव होगा एंड जैसे ये मूव हो रहा है ऊपर आप देख रहे होंगे टाइमिंग भी चेंज हो रहा है, तो उसको मैं थोड़ा बैक लेके जाती हूँ एंड 0.29 सेकंड। देन आपको ये रेड बटन पे टैप करना है, देन हमें सेकंड बीट लगाना है 0.60 सेकंड पे। सेम हमको इस व्हाइट लाइन को प्लेस करना है, स्क्रीन पे टैप करके आपको लेफ्ट साइड मूव करना है एंड थर्ड बीट है 0.89 सेकंड, सेम तरीके से करेंगे 0.89 सेकंड, देन थर्ड बीट ऐड। बाकी की सारी बीट मैं जल्दी जल्दी लगा के आपको दिखा देती हूँ। अब मैं आपको बताने वाली कि आपको फोटो को कैसे प्लेस करना है। ये व्हाइट लाइन को आपको सबसे पहले फर्स्ट बीट पे लेके आना है,
यहाँ तक हमारी फर्स्ट फोटो एंड हो जाएगी एंड सेकंड फोटो स्टार्ट होगी। दैट्स मीन हमको अपनी फोटो को इतना ट्रिम करना है। फोटो को ट्रिम करने के लिए आपको फोटो पे क्लिक करना है, राइट साइड पे जो एरो दिख रहा है इस पर टैप करके आपको लेफ्ट साइड लेके आना है इस वाइट लाइन तक। यहाँ से हमारी सेकंड पिक्चर स्टार्ट होगी एंड यहाँ तक सेकंड बीट तक हमारी सेकंड पिक्चर एंड हो जाएगी। सेम तरीके से ट्रिम करना है हमको, सेम यहाँ से हमारी थर्ड पिक्चर स्टार्ट होगी एंड थर्ड बीट पे हमारी थर्ड पिक्चर का एंड हो जाएगा। जल्दी जल्दी बाकी की एडिटिंग कर देती हूँ। तो जब भी आप वी एन ऐप से एडिटिंग करते हैं तो हमेशा ये जो ब्लैक स्क्रीन है ना ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाती है, तो इसे यहाँ से डिलीट कर लेना। स्क्रीन पे टैप करना है आपको, डिलीट पे क्लिक करना है। अब हमें करना है इस पे इफेक्ट ऐड, एफेक्ट्स पे जाना है हमें। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे, तो मैं जो यूज़ करने वाली हूँ वो है स्लाइड राइट। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ। राइट साइड पे जो आपको एरो दिख रहा है इस पे टैप करके आपको लेफ्ट साइड लेके आना है। तो ये ओनली 20 सेकंड तक ही रहेगा, इससे ज़्यादा ये छोटा नहीं हो सकता। अप्लाई टू ऑल, अप्लाई टू ऑल करने से सारी पिक्चर्स में सेम इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा, तो जिससे हमारा काम ईजी हो जाता है। बट जो ये फर्स्ट पिक्चर है इस पे मुझे ये इफेक्ट नहीं चाहिए। एफेक्ट्स पे क्लिक करके बिल्कुल स्टार्टिंग में जाके मैं इसे नन कर दूंगी, डन। तो ये आगे जो प्लस का साइन दिख रहा है इस पे टैप करके मैं एक ट्रांजिशन ऐड कर देती हूँ उस पे। तो यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट है, मैं वाइट रखूँगी, डन। एक और इफेक्ट मैं चेंज करूँगी, जो ये 13 बीट आएगी तो इसका ट्यून ना थोड़ा सा अलग है, मैं थोड़ा सा सुना देती हूँ आपको। तो इसमें मैं एक अलग इफेक्ट रखूँगी कि लगे कि ये बीट अलग है, तो इसका इफेक्ट भी अलग आ रहा है। एफेक्ट्स पे क्लिक करूँगी, मैं इस पर रखना चाहती हूँ एक्सपेंड, क्लिक करा, देन इफेक्ट को थोड़ा छोटा कर देंगे पहले की तरह, डन। वीडियो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, आप चाहे तो इसको ऐसे भी सेव कर सकते हैं अगर आप वो स्पार्कल या स्टार इफेक्ट ऐड नहीं करना चाहते हैं। अदरवाइज अगर ऐड करना चाहते हैं उसके लिए आपको इस प्लस के साइन पर क्लिक करना है, वीडियो और फोटो पर क्लिक करना है, और जो हमारी वीडियो है उसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। को टैप करके ना बिल्कुल स्टार्टिंग में लेके जाना है, टैप होल्ड एंड लेफ्ट साइड मूव करना है आपको। वीडियो को मैं ढंग से प्लेस कर देती हूँ, तो ये रोटेट के साइन पर टैप करके मैं इसे राइट साइड थोड़ा घुमा के और इसे एक्सपेंड कर देती हूँ बड़ा, तो ये होगी एक्सपेंड। इसके बाद हमको नीचे जाना है बिल्कुल एंड पे, ब्लेंडिंग का ऑप्शन मिलेगा इस पर आपको क्लिक करना है, देन लाइटन पे क्लिक करना है, देन कर देना है डन। एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। हमने एडिटिंग में सारी फोटो यूज़ करी है तो हमको रिजोल्यूशन 720 रखना है और इसको सेव कर देना है। 720 रखने से आपकी वीडियो क्लियर आएगी, डन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।